दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, मगर अक्सर ऐसा होता है कि इतिहास की किताबों के किसी पन्ने, किसी नाम पर समय की धूल आ गिरती है। इसी धूल को हटाकर हम आपके सामने इतिहास के एक महान योद्धा चरित्र को पेश करने जा रहे हैं, जिसकी कहानी को बयान करते वक्त इतिहास की आंखों में भी नमकीन पानी है। दोस्तों, इस जबरदस्त महान योद्धा का नाम था तानाजी राव मालुसरे, जिसकी तलवार की खनक आज भी मराठा इतिहास की फिजाओं में गूंजती है। दोस्तों, भले ही मराठा साम्राज्य की मजबूत नींव में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनहरे स्तंभ में लिखा हो, मगर वीर मराठाओं की अमर कहानियों में तानाजी राव मालुसरे का नाम भी एक साहसी वीर, कर्तव्यपरायण और वफादार योद्धा के तौर पर दर्ज है। दोस्तों, यही वो ऐतिहासिक चरित्र है जिसका किरदार किसी फिल्मी पर्दे पर अभिनेता अजय देवगन ने निभाया है, जिसका प्रदर्शन 2020 में होगा। ये ताना राव जी मालुसरे वही योद्धा है जिनकी मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से लोहा लेते हुए सिंहगढ़ किले पर जीत हासिल की। तानाजी राव एक ऐसे कोली सरदार थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे और इस दोस्ती पे वो अपनी जान छिड़कते थे। दोस्तों, अगर आप इतिहास की किताब के पन्ने पलटोगे तो आप देखोगे कि तानाजी राव छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हर युद्ध में उनकी परछाई बनकर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि यही तानाजी मालुसरे हैं जिन्हें औरंगजेब ने छल से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कैद कर दिया था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई थी, जिसके चलते दोनों मिठाई के बड़े से टोकरे के अंदर छिपकर भाग निकले थे। दोस्तों, तानाजी राव ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मराठा साम्राज्य और हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए कई तरह के प्रयासों को जारी रखा था। इस महान योद्धा ने 1600 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोधुली गांव में कोली परिवार में जन्म लिया था। पिता का नाम सरदार कलोजी और माँ का नाम पार्वती बाई था। दोस्तों, तानाजी राव का बचपन तलवारों के साय में बीता था। उन्हें टकराती तलवारों की खनक बहुत प्रिय लगती थी, यानी उनमें वीरता के गुण बचपन से ही मौजूद थे। यही वजह है कि उनकी दोस्ती वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से हो गई। आगे चलकर तानाजी के इसी युद्ध कौशल और वीरता भरे आवेग को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें सेनापति की पदवी देकर सेना की कमान सौंप दी थी। साथ ही उन्हें किलेदार नियुक्त भी कर दिया, उन्हें मुख्य सूबेदार भी बना डाला। सिंहगढ़ कोंढाणा का युद्ध। दोस्तों, 1670 में हुए सिंहगढ़ कोंढाणा का युद्ध तानाजी मालुसरे की वीरता का सबसे बड़ा गवाह रहा। इस युद्ध की वजह से आज इतिहास अपनी छाती चौड़ी करके तानाजी मालुसरे को याद करता है। दोस्तों, ये युद्ध उस नाजुक वक्त में हुआ था जब सूबेदार तानाजी मालुसरे के बेटे रायबा के विवाह की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। इसी विवाह का निमंत्रण देने तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पहुंचे तो उन्हें उनके खुफिया अभियान का पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहगढ़ किले यानी गोडाणा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। ये सुनते ही ये महान योद्धा अपने परिवार की निजी खुशी को त्याग कर अपने मामा शैलार के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि दोस्तों, एक योद्धा का विवाह तो वैसे भी रणभूमि ही कहलाती है। दोस्तों, ये बात तानाजी मालुसरे भी जानते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी कीमत पर कोंढाणा को अपने कब्जे में लेकर मराठा साम्राज्य में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी ये इच्छा जाहिर करते हुए तानाजी मालुसरे से कहा भी था कि इस किले को मुगलों के कब्जे से आजाद करवाना अब हमारे मान सम्मान की बात बन गई है। अगर इस किले पे हम अपनी जीत की पताका नहीं लहराते तो सारी दुनिया हमारी हंसी उड़ाते हुए कहेगी, अब हिंदुओं का अधिकार अपने घर पे ही नहीं रह गया है। ये बात सुनते ही तानाजी मालुसरे के बाजू फड़क उठे। उन्होंने उसी वक्त सौगंध उठाई कि चाहे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े, कोंढाणा के किले को मुगलों से आजाद करवा कर ही दम लूंगा। तब दोस्तों, इस सच्चे वीर ने अपने बेटे के विवाह को भी एक तरफ स्पष्ट कर दिया कि वो विवाह ही सुंदर बेला में शामिल ना होकर युद्ध के गुबार को अपने माथे का तिलक बनाएंगे। तब तानाजी मालुसरे की आंखों में नमी नहीं थी, बल्कि उनके ललाट पे वीरता का तेज था। दोस्तों, यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि कोंढाणा का किला अत्यंत दुश्वार रास्तों की ऊंचाइयों पर बना हुआ था। इस किले तक पहुंचने वाला हर रास्ता जोखिम से भरा हुआ था, लेकिन इसे जीतना छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बहुत जरूरी हो चला था, जबकि यह किला लगभग 5000 मुगल सैनिकों से घिरा हुआ था।
मुगलों के इन सैनिकों की कमान मुगलों के वफादार उदयभान राठौड़ के हाथों में थी, जो एक राजपूत योद्धा था। इस किले का सिर्फ एक ही हिस्सा ऐसा था जिसकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती थी, यानी किले का वो पश्चिमी हिस्सा जो ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ था, जिन पर चढ़ना आसान नहीं था। यह बहुत ही जोखिम पूर्ण कार्य था। तब तानाजी मालूसर ने निर्णय लिया कि वो गोहपड़ की मजबूत पकड़ के सहारा से चट्टान से होते हुए किले तक पहुंचेंगे और किले में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दें कि गोहपड़ लकड़ी और रस्सी से बनी होती है। ये लकड़ी विशाल का छपकली गोह की तरह होती है। इसकी मदद से बहुत सारे सैनिक एक बार में ही ऊंची ऊंची चट्टानों और दीवारों पर चढ़ जाते थे। लकड़ी और रस्सी से बनी इस गोह का नाम तानाजी मालूसर ने यशवंती रखा था। दोस्तों, कोंढाणा के भाग्य को पलट देने वाली वो रात जैसे एक विस्फोटक रात थी। रणनीति के मुताबिक तानाजी मालूसर ने अपने 342 सैनिकों को रात में तैयार कर गोहपड़ यशवंती की सहायता से किले की चढ़ाई शुरू कर दी थी। मगर इस रणनीति में ध्यान रखा गया था कि कंकड़ के गिरने तक की आवाज ना हो, और धीरे धीरे एक एक करके अपनी सांसों की आवाज पर काबू पाते हुए सभी सैनिक किले के ऊपर पहुंच गए। तब तक मुगलों को इसकी जरा भी खबर नहीं लगी थी, मगर अचानक ही मुगलों का वफादार उदयभान राजपूत इनके सामने 5,000 सैनिकों के साथ आ खड़ा हुआ, और फिर शुरू हुआ वो भयानक युद्ध जिसकी भयंकर आवाजें, तलवारों की खनखन आवाजें, खच खच सीनों में गड़ते भालों की आवाजें आज भी इतिहास के प्राचीन खंडरों में गूंजा करती हैं। दोस्तों, इस युद्ध में तानाजी मालूसरे की तलवार ने चारों तरफ गजब का कहर ढा दिया था कि तभी उदयभान ने छल से तानाजी राव मालूसरे पर वार किया, और रणभूमि का ये शेर, शिवाजी महाराज का प्रिय मित्र, मराठा साम्राज्य का गौरव तानाजी मालूसरे वीरगति को प्राप्त हो गया। ये सब देख तानाजी मालूसरे के मामा शैलार का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपने भांजे के खून का बदला लिया। मुगलों का वफादार उदयभान शैलार मामा के हाथों मारा गया। आखिरकार यह किला फतेह कर लिया गया। किले पर मराठा साम्राज्य की पताका लहरा दी गई। इस जीत को आसमान से मुस्कुराते हुए तानाजी मालूसरे देख रहे थे। युद्ध जीतने के बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज कोंढाणा के सिंहासन पर बैठे, तो तानाजी मालूसरे को याद करके उनके कलेजे से एक दर्द भरी आह निकल गई। विजय की मुस्कान होने के बावजूद उनके कराहते हुए दिल से तब ये शब्द निकले थे, मामा गड़ आला पण माझा सिंह गेला हो मामा, माझा सिंह गेला। गड़ालापन सिंह गेला, यानी गढ़ तो हाथ आ गया पर मेरा शेर चला गया। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन के दोस्त का यूं बिछड़ना बहुत दुखदायी लगा, लेकिन दोस्तों, वीर योद्धाओं की आंखों में देर तक नमी बने रहना ठीक बात नहीं होती। छत्रपति शिवाजी ने अपनी स्थिति पर जल्दी काबू पा लिया और जीते गए किले कोंढाणा का नाम बदलकर तानाजी मालूसरे के नाम पर सिंहगढ़ रख दिया, और पुणे के नगर के वाकड़ेवाड़ी का नाम बदलकर नरवीर तानाजी वाड़ी रख दिया गया। इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी मालूसरे के प्रति दोस्ती का हक अदा कर दिया। और उधर हवा में फड़फड़ाती मराठा साम्राज्य की पताका मानो देर तक शिवाजी महाराज के ही शब्द दोहराती रही हो, गढ़ आला पण सिंह गेला। तानाजी मालूसरे की वीरता पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके कमेंट्स का स्वागत है, और दिल से कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।